एक सुखी और अच्छे जीवन की किसे कामना नहीं होती है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे और उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। ऐसे जीवन के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में कई बातें बताई गई हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों में बताई गई इन नियमों का और परंपराओं का पालन करता है, उसका जीवन न केवल सुख से भर जाता है बल्कि उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और उसके भाग्य से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु की पूजा। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवता माना गया है। भगवान विष्णु को इस जगत का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु को ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति का स्वामी माना जाता है। जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ का काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत। एक ये भी उपाय है, जो एकादशी का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ, एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में दो एकादशी पड़ती हैं। दोनों की पक्षों में पड़ने वाली एकादशी के दिन व्रत करने की परंपरा सदियों से भारत में चल रही है। जो लोग आज भी सही विधि और नियमों के हिसाब से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। भगवद गीता का पाठ। श्रीमद् भगवद गीता को श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप माना जाता है और बता दें कि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक है ये। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से भगवद गीता या इसके श्लोकों का पाठ करते हैं उनके ऊपर श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। गीता में लिखी हुई बातों का पालन व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में भी करना चाहिए। कोई भी शुभ काम भगवान का नाम लेकर ही शुरू करें, सफलता की ज्यादा उम्मीद रहती है। तुलसी के पौधे की पूजा और देखभाल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इसे स्वर्ग के पौधे के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी का घर में होना बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको बता दें कि इस बात को विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी के पौधे में ऐसे गुण होते हैं जिससे इसकी महक से हवा में मौजूद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। घर के आसपास तुलसी होने से सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। जो लोग तुलसी की नियमित रूप से पूजा करते हैं उनके ऊपर धन की देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। ब्राह्मण ज्ञानी बड़ों का सम्मान। भारत की पुरानी परंपरा रही है कि यहाँ ब्राह्मण ज्ञानी और बड़ों का सम्मान किया जाता है। इन तीनों का जो भी अपमान करता है वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। ये तीनों ही व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी ही आवश्यकता होती है। इनका ज्ञान बहुत ही उच्च रहता है। ये दूसरों के ज्ञान में प्रकाश भी फैलाते हैं, इसलिए इनकी हर किसी को इज्जत करनी चाहिए। गाय की सेवा। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए जिस घर में गाय होती है वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय का दूध ही नहीं बल्कि मूत्र और गोबर भी फायदेमंद होता है। विज्ञान भी इस बात को मान चुका है कि गाय के मूत्र या नियमित सेवन करने से गंभीर बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है और इसलिए हर व्यक्ति को गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।